हेलो, मैं हूँ आशा प्रजापति। स्वागत करती हूँ आप लोगों का फिर से अपने चैनल पर। और आज का जो वीडियो है वो है इस लुक के बारे में, जिसे मैंने क्रिएट किया है बिना किसी फाउंडेशन के। और बहुत ही अच्छा फुल कवरेज मेकअप हुआ है मेरा, वो भी बिना किसी फाउंडेशन को यूज़ करे। तो चलिए देखते हैं कैसे किया है मैंने ये अपना मेकअप बिना फाउंडेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में सब्सक्राइब के साथ जो एक बेल बटन है उसे ज़रूर हिट करें, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को भी ज़रूर एक लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कैसे किया है मैंने ये अपना आज का मेकअप। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं लगाऊंगी पतंजलि का एलोवेरा जेल। गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है, साथ में प्राइमर का काम भी बहुत अच्छा करता है। तो इसलिए मैं आज इसको यूज़ करूंगी एज अ प्राइमर। इस तरह से थोड़ा सा ले लूंगी और अब इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और आज मैं अपने फेस पर किसी भी फाउंडेशन का यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ यूज़ करूँगी अपने इस कंसीलर पैलेट का। और पूरा मेकअप, पूरा बेस मेकअप मैं अपने इसी कंसीलर पैलेट के साथ करूँगी। बहुत अच्छा पैलेट है ये, काफ़ी अच्छी कवरेज है इस पैलेट की। सबसे पहले मैं इस कंसीलर पैलेट में से ये वाला शेड लेकर अपने फेस को कंसील करूँगी। यहाँ पर भी मुझे पिगमेंटेशन है या मेरे जो अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं उन सबको हाइड करने के लिए मैं इस कंसीलर का यूज़ करूँगी। और आप देख सकते हैं मेरी पिगमेंटेशन कितने अच्छे से हाइड हो चुकी है। बहुत अच्छी कवरेज है इस कंसीलर पैलेट की। और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी अपने ब्लेंडर के साथ। मेरे फेस पर जो भी पिगमेंटेशन थी या डार्क सर्कल्स थे वो सब कवर हो चुके हैं। अब मैं इसी कंसीलर पैलेट में से ये वाला शेड लेकर अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। लगा लूँगी और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और अब मैं इसी कंसीलर पैलेट में से ये वाला शेड लेकर अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। और इसी पैलेट में से अब मैं एक कॉन्टोर शेड लेकर, ये वाला कॉन्टोर शेड लेकर अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। और अब सबसे पहले जहाँ मैंने हाईलाइट किया है वहाँ से मैं ब्लेंड करूँगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। मैं अपने कॉन्टोर को ब्लेंड करूँगी। और अब मैं करूँगी अपने फेस को पाउडर के साथ सेट, ताकि मेरा मेकअप जो है वो लॉक हो जाए। और इसलिए मैं यूज़ करूँगी ये स्पिंस का बीबी पाउडर। इस तरह से इसको अपने हाथ पर लेकर एक स्पंज की हेल्प से इसको अच्छे से इस तरह से
और अब मैं करूंगी अपनी आईब्रोज को फिल, और उसके लिए मैं यूज़ करूंगी अपनी ये कैमलिन की आईब्रो पेंसिल। पहले मैं इसकी स्पूली के साथ अपने आईब्रोज को अच्छे से कॉम कर लूंगी और उसके बाद मैं इनको फिल करूंगी। और अब मैं अच्छे से इनको ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी लाइन ना दिखे। तो जोन से कंसीलर से मैंने अपने फेस को हाईलाइट किया था, उस वही वाला कंसीलर शेड लेकर अब मैं अपने आईब्रोज को क्लीन करूंगी। और अब मैं इस कंसीलर को सेट कर लूंगी पाउडर के साथ। अपने कॉन्ट्रोल पाउडर में से ये वाला शेड लेकर अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई करूंगी ट्रांजिशन शेड की तरह। इसी पैलेट में से ये डार्क शेड लेकर अपने आउटर वी पर अप्लाई करूंगी। और मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से वही डार्क ब्राउन शेड लेकर अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूंगी। और मैं एक फ्लैट ब्रश लेकर अपना ये जो मैंने खुद का बनाया हुआ क्रीम आई शेडो है गोल्डन कलर का, इसको अपने आईलिड पर अप्लाई करूंगी। और अब मैं वापस से अपने उसी ब्रश के साथ इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। इस क्रीम आई शेडो के ऊपर ये पाउडर आई शेडो अप्लाई करूंगी थोड़ा सा येलो कलर का। तो आई शेडो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं लगाऊंगी काजल। एक एंगुलर ब्रश लेकर इसी काजल को एज ए लाइनर भी अप्लाई कर लूंगी। और मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा। और अब मैं अप्लाई करूंगी ब्रोंजर। ब्रोंजर और अब मैं अप्लाई करूंगी ब्लश। अब मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर। के लिए लिए मैंने ये ब्लू हेवन की क्रेयॉन लिपस्टिक और इसका शेड है 09 फूशिया पिंक, बहुत अच्छा शेड है ये। और मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी अपने उसी हाइलाइटर शेड से। और ये है मेरा फाइनल लुक। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल बटन है उसे ज़रूर हिट करना ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं अब आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।